इंटरनेट सोशल मीडिया की दुनिया में डिजिटल बाबा नाम से मशहूर युवा संत स्वामी रामशंकर हिमाचल प्रदेश में युवा मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए पिछले 1.5 माह से लोगों के बीच जा जाकर कॉलेज में, गांव में, बस अड्डे पर चलती बस में लोगों को मतदान के महत्व के बारे में समझा रहे हैं। इंटरनेट सोशल मीडिया की दुनिया में डिजिटल बाबा नाम से मशहूर युवा संत स्वामी रामशंकर हिमाचल प्रदेश में युवा मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए पिछले 1.5 माह से लोगों के बीच जा जाकर कॉलेज में, गांव में, बस अड्डे पर चलती बस में लोगों को मतदान के महत्व को समझा रहे हैं। विशेषकर पहली बार वोट करने वाले उन युवाओं को जो उम्र के अनुसार पात्र तो हैं पर मतदाता सूची में नाम दर्ज ही नहीं है, ऐसे युवा मतदाताओं से मतदान हेतु मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने वो मतदान में भाग लेने के लिए डिजिटल बाबा उन्हें प्रेरित करते रहे हैं। आज बैजनाथ मंदिर परिसर से फेसबुक लाइव के माध्यम से आखिरी बार युवाओं को संबोधित करते हुए डिजिटल बाबा ने कहा कि हमारे संविधान द्वारा हमें प्राप्त मतदान का अधिकार हमारे विकास के साथ समाज व राष्ट्र के विकास में भी अहम योगदान निभाता है, इसलिए मतदान अवश्य करें। अपने लिए सही जनप्रतिनिधि का चुनाव कर लोकतंत्र के महापर्व में युवा वर्ग सहभागी बने। मतदान अपने विवेक से करें, किसी के बहकावे में आकर ना करें। डिजिटल बाबा ने कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, हम 32 वर्ष की आयु में पहली बार मतदान करेंगे। संन्यास जीवन में पिछले 10 वर्षों तक लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में विद्या अर्जन करने हेतु रहने के कारण मतदान नहीं कर सका। डिजिटल बाबा ने पिछले 2.5 वर्षों से बैजनाथ स्थित नागेश्वर मंदिर में रहकर आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, जहां बच्चों को प्रत्येक रविवार निःशुल्क योग, सनातन वैदिक ज्ञान, संस्कार बच्चों में व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु कार्यशाला का आयोजन करते हैं, जिसके माध्यम से तमाम बच्चों को लाभ प्राप्त हो रहा है। स्वामी रामशंकर कहते हैं, समाज तभी सुंदर होगा जब बच्चों का व्यक्तित्व मनमोहक होगा, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम वोटर कार्ड का ये परिचय पत्र है। आई थिंक मैं जब इसको दिखाऊंगा तो मुझे वोट देने की अनुमति दी जाएगी पोलिंग बूथ पर। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं पहली बार वोट दे रहा हूँ। हालांकि मेरी उम्र 32 वर्ष हो चुकी है। ना वोट दे पाने का भी एक बड़ा कारण है कि लगातार मैं अपने अध्ययन की वजह से अलग अलग प्रांतों में रहता रहा। जब चुनाव का समय होता था तो मैं किसी ऐसे प्रांत में होता था जहां से वापस आ पाना अपने घर पर या अपने स्थायी निवास पर संभव नहीं था, जिसकी वजह से कभी हम चुनाव में मतदान नहीं कर पाए। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे देश के संविधान ने एक ऐसा हमें मजबूत अधिकार दिया है जिसका प्रयोग हमें लगता है हर युवा को अवश्य करना चाहिए अपनी जिंदगी में। आने वाले 19 मई को हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। मेरी कोशिश थी कि मैं हिमाचल में जो भी युवा हमारे सामने से गुजर रहे थे, बस में जाके, कॉलेज में जाके, शहर के अलग अलग हिस्से में जाके, गांव में जाके, मैं उनको अवेयर करने की कोशिश कर रहा था कि मतदान कितना ज़रूरी है हमारे निजी विकास और सामाजिक विकास में। जब तक हम मतदान नहीं करेंगे तब तक हमारा विकास नहीं संभव होगा, क्योंकि याद रखिए हमारे मतदान से हमें एक बहुत मजबूत जनप्रतिनिधि प्राप्त होता है जो हमारी समस्याओं को, जो हमारी ज़रूरतों को शासन तक ले जाता है, उनके सामने रख करके हमारी आवश्यक चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करता है। वोट जरूर डालें, वोट डालने से अपने आप को पीछे न रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।